तो बहुत ही कैची ट्यून है, मुझे जब शबाब आजमी जी ने भेजा, इन्होंने कंपोज किया है, तो मैंने सुना, मुझे जैसे मेरे गाने और आए, लोगों को बहुत सारे थिरका के गए, नचा के गए, तो ये गाने से भी यही उम्मीद रख रहा हूँ। और इसका हुक बहुत अच्छा है, जो गाने का मेन पंच होता है हमारे इंडस्ट्री में, हमेशा ढूंढते हैं कि हुक क्या है, तो इसका हुक है तू बड़ी कमीनी चीज़ है, तो ऑलरेडी लोगों को पसंद आएगा। और बहुत दिनों बाद हम और शबाब जी एक साथ कुछ काम करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी तो आपको बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बधाइयाँ सर, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं टीम में, आप मेहनत से काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में ये गाना भी बोल पड़ेगा। तो कौन फीचर करने वाले इस गाने में, मतलब, और गाने का जो टाइटल था यूनिक, उसके हाँ, जैसे कभी बदतमीज दिलाया था वैसे तू बड़ी कमीनी चीज़ है, मामला कुछ ऐसा ही है, तो यूनिकनेस होता है तभी लोग देखते हैं सुनते हैं, तो अच्छा ध्यान रखा है इन लोगों ने, और शबाब जी ने की जिन्होंने लिरिक्स लिखा है, शैलेंद्र शर्मा एंड जमील अहमद जी, उन दोनों लोगों ने भी, मैं आज लिरिक्स पढ़ रहा था और कंपोजिशन सुन रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था, कैची लग रहा था, तो इसकी यूनिकनेस यही है कि लोगों के दिलों में बातों की तरह उतर जाएगा, बहुत समझना नहीं पड़ेगा कान लगा के, और इसमें बाकी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बेहतर बता पाएंगे सब आप भी। सर, आपको जानकारी दीजिए बड़ा, क्या प्रोजेक्ट है और कितने गाने पर सर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं? हाँ जी, एक्चुअली क्या, इसके जो प्रोड्यूसर और इसके जो एक्टर है जिसमें एक्ट कर रहे हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं डीके डब्लू खान जिनका नाम है, और बड़ी खुशी की बात है कि आज उनके साथ इस खुशी में शरीक होने के लिए उनके जो अब्बू जान हैं, उनके पापा, वो सब कुछ वहाँ से आए हैं अपना वक्त निकाल के, एक बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने कहा कि नहीं यार ये चीज़ है, और बाकी गाना उन्होंने ऐसे ही उन्होंने फ़ोन किया कि यार गाना करना है, इसके पहले भी हमने गाना कर लिया था, सेकेंड ये म्यूजिकल पर मैं इनका, इनकी कंपनी का, और बहुत अच्छे इंसान हैं ये, और बहुत चूजी हैं, स्पेशली ये आइडिया उनका ही था कि मैं मुझे कमीनी चीज़ पे वो चाहिए, हम लोगों ने बना के जाके दिया, जिसका लिरिक्स जमील साहब ने लिखा है और शैलेंद्र शर्मा जी हैं उन्होंने लिखा, दिलजीत जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सर्च किया कि कौन बेहतर गा सकता है, तो किसी की ज़्यादा ये वो समझ में नहीं आया, तो बहुत खास आवाज़ एक मुझे लगी, तो खुद हमारे जो प्रोड्यूसर हैं डब्लू खान साहब, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप दिलजीत जी से बात कीजिए, तो मैंने भाई से बात किया और आज आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें। तो क्या प्लानिंग, कहाँ शूट करने वाले हैं, कब तक, और किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा ये एल्बम जो है? ये देखिए, हम लोग जो हमारे डब्बू खान साहब हैं, उन्होंने बात की हुई है सपना चौधरी जी से, जो बड़ी अच्छी इनकी फ्रेंड हैं, और स्पेशली उन्होंने ऐसे ही गाना भेजा कि यार ये गाना हम लोग कर रहे हैं, तो क्या इरादा है, वो सामने से उनका कॉल आया कि भाई हम गाना करेंगे, और अगर तुमने ये गाना मुझे नहीं दिया तो देख लेना फिर, मतलब इतने अच्छे इनके रिलेशन है, तो ऑलरेडी उनकी तरफ से वो गाना कर रहे हैं, अभी बाकी का आखिरी जो होगा वो इनका फैसला होगा कि किसको क्या करते हैं ये। अभी तो ये है कि भाई अपना बेटा अगर कोई काम करेगा तो खुशी तो होगी, और जो साथ देंगे उसका तो ये है कि देहात कामयाबी होगी। सर, ये भी जानना था आज के दौर में इतने गाने आ गए हैं जो पेपी नंबर्स हैं, उनका दौर एक बार फिर आया है, और मतलब सिंगल्स हो गए म्यूजिक एल्बम्स, तो काफ़ी चलते क्या कहना चाहेंगे, कितनी अच्छी बात है सिंगर्स के लिए भी कि एक नया प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट हुआ है। सिंगल्स का दौर आना एक्चुअली सिंगरों के लिए बहुत अच्छा है, जो भी प्लेबैक सिंगर हैं आजकल, क्या हो गया है कि वैसे भी मनचाही बात फिल्मों के थ्रू नहीं निकल पाती है, सिंगल में क्या होता है कि आप में अगर अपनी कोई काबिलियत है, अपनी में आपकी यूनिकनेस है, तो सिंगल हमेशा से सदियों से इसीलिए सिंगल एल्बम आते थे कि अच्छी बातें हम लोगों को अपनी दे सकें, हमारी अपनी पहचान क्या है, मेरी अपनी रूह क्या है, वो क्या कहती है, उसके थ्रू हम लोगों को बता सकें, क्योंकि उसमें किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर या किसी बीफ को लेके हमें नहीं चलना होता है, वो मेरा पर्सनल अपनी लाइफ है, मेरी अपनी स्वाद है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सिंगल आने से काफ़ी राहत ये है कि और भी सिंगर्स तरीके से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, उन्हें बहुत बड़े फिल्म के ब्रेक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को म्यूजिक कंपनी कितना ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है, और कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि आगे चलते इस तरह इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सीन है ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, काम कैसा करते हैं, क्योंकि गाने तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तरह तरह के दे रहे हैं, बट बात दिल पे लगेगी तो काम अपने आप आगे बढ़ेगा। दो तरह की चीज़ होती हैं, एक तो क्लासिक होता है, एक होता है मासी, तो मास अगर है तो मास उठा लेंगे उसे,
क्लास है तो क्लास उठा लेंगे, अगर बीच के हो तो फिर झंड हो जाएगा सर। सही हो तो जी, आप उसको जल्दी कैसे देखते हैं? सही बात है। वहाँ से एक्चुअली ट्विस्ट आया मेरी लाइफ में। उसके पहले भी मैं गाता रहा बहुत, 2008 से प्लेबैक कर रहा हूँ और प्रोफाइल बनता रहा, लेकिन इंतज़ार रहता था कि कभी हमारी लाइफ में कौन वो लॉटरी कब लगेगी जिससे घर चलता है, क्योंकि अब रोजी रोटी भी यही है। तो जो तनु वेड्स मनु आया और बन्नो गाना आया तो हमारी लाइफ में शोले है वो, कि उस गाने के आने के बाद में इंडस्ट्री में पहचान मिला। सबसे ज़रूरी वो है कि इंडस्ट्री आपको पहचाने, आपकी आवाज़ पहचाने और दुनिया ने सुना उसे, लोगों का इतना सारा प्यार मिला कि उसके बाद सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदल गया। बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक है, पहले से बेहतर हो गया। और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, जिस तरह से आता हूँ, वैसे लोगों को अगर इस तरह का अवसर मिलता है तो अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इतराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अच्छा उसे महसूस करने की ज़रूरत तो है, तो मैं करता हूँ। और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा कि और बेहतर क्या होगा, उसके लिए हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, एक्टर हैं, वो कुछ बताना चाहेंगे। सर जानना चाहूँगा, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना उत्साहित है इस सर? मैंने इससे पहले एक गाना किया था, वो थोड़ा सूफी सॉन्ग था, मौला मेरे मुल्ला, वो रिलीज़ हो भी चुका है, वीनस म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ हुआ था। उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं कुछ, अभी जैसे रैप सॉन्ग चल रहे हैं आजकल, तो मैं सोचा कि कुछ रैप करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तो मैंने ये अपने मिस्टर शबाब आजमी को बोला कि मुझे कुछ ऐसा गाना करना है। इसमें एक्चुअली एक प्रोड्यूसर और हैं जो, जिनका नाम अंजलि है, वो अभी आज अवेलेबल नहीं है, उनको कहीं जाना था तो इन्होंने मुझे बताया कि चलो इस तरह से करके, पूरा टीम बैठा, वो कई बार गाना बनाया, बिगाड़ा, बनाया, बिगाड़ा। उसके बाद फाइनली शबाब भाई ने, एक हमारे दोस्त है अरफात महमून, जो ब्रजेश भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी जी बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छे राइटर हैं वो, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज इंडस्ट्री में, अल्लाह उनको और कामयाबी दे। तो उन्होंने बोला कि आप समीर भाई, ब्रजेश भाई को लेके करो कि उनके काबिल गाना है ये। तो क्योंकि ब्रजेश भाई को इससे पहले मैं कभी जानता नहीं था, आज पहचान क्योंकि फर्स्ट टाइम ही होती है, पहली बार होता है। तो फाइनली बात की शबाब भाई ने, ब्रजेश भाई ने गाना सुना और गाना सुन के बोले ठीक है हम लोग करेंगे। एक चीज़ ब्रजेश भाई ने, क्योंकि वो शबाब भाई ने मुझे बोला था वो रैप, इसमें कुछ बीच में रैप सॉन्ग है, तो ब्रजेश भाई बोले यार इसमें तो रैप है मेरा। यस, मैंने बोला कि गाने में नियर 80% तो रैप ही है, 20% सॉन्ग है, तो क्या गाएंगे और क्या छोड़ेंगे। तो फिर मैंने बोला शबाब भाई से, नहीं नहीं ब्रजेश भाई ही करेंगे, जो भी करेंगे जैसे करेंगे, और आज ये गाना फाइनली रिकॉर्ड होने वाला है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तो ब्रजेश भाई ने हाँ कर दिया कि ठीक है मैं करूँगा गाना ये, और अभी जब गाना आएगा तो आप इनका कुछ अलग, ये कुछ अलग ही है उनके लिए। जी बिल्कुल, हाँ, मैं ये रैप एक्चुअली रैप के फील्ड में ऑलरेडी इतने सारे लोग आ रहे हैं और एक इतना बड़ा एरा और खड़ा हो रहा है इसका, कि उसमें हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं लगता है, कि हम क्यों घुसे हैं। सो मैं कुछ एक आध ट्राई किया हुआ था पहले, जो जी से रिलीज भी हुआ था, तो मैंने वो भेजा, मैंने बोला एक बार आप सुनिए, आपका भी कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, क्योंकि कलाकार तो सब कुछ करना चाहता है, बट अच्छी बात ये होनी चाहिए कि सबको जमना चाहिए, बाकी मैं ट्राई करूँगा। तो इन्होंने सुना और उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप ट्राई करिए, अच्छा ही होगा। सो देखते हैं, ट्राई करते हैं, मरता क्या नहीं करता, कुछ तो चलेगा ही। नहीं नहीं अच्छा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ब्रजेश भाई अच्छा कर रहे हैं और आप सब जानते हैं, मैं, मेरी तो अभी कोई पहचान है नहीं इतनी, लेकिन ब्रजेश भाई को आज सब जानते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और आज फाइनली हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं इस गाने को, आप लोग दुआ कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग कामयाब हों। अभी इस गाने को जिन्होंने लिखा है वो जमील भाई, और वो जमील भाई कुछ बात करेंगे इस बार। जमील भाई के बारे में किस तरह का गीत है और क्या करना चाहेंगे, किस तरह से
ये कुछ अलग ही है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा कैची गाना है। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं DK सर, उन्होंने कहा कि कुछ अलग करेंगे। इससे पहले हमने इनका एक सॉन्ग किया था मौला मेरे मौला, जो वीनस से रिलीज हुआ, बहुत अच्छा सॉन्ग था। अल्तम फरीदी ने गाया था, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और ये हम कुछ नेक्स्ट कुछ अलग करते हैं उसके लिए। तो ज़्यादातर गाने में किस तरह का सिचुएशन रहेगा, मतलब ये क्या टैपिंग नंबर है क्या? ये गाना रैप सॉन्ग है, कुछ थोड़ा छेड़छाड़ वाला ऐसा सिस्टम है इसमें, और काफ़ी मसाला है इसके अंदर। जैसे अभी आपने जिक्र किया सिंगल का टाइम चल रहा है, तो सिंगल हम भी कुछ कर रहे हैं, और सिंगल हमारा अक्टूबर में रिलीज हो रहा है। देन अभी रिसेंट जो आ रही है लाल कप्तान, लाल कप्तान में मेरे दो गाने आ रहे हैं, जो ब्रजेश को लोगों ने जिस तरह का सुना है हमेशा नचाते हुए, इसमें एकदम मामला बहुत ही डिफरेंट है, डार्क साइड है, और कुछ अलग मुझसे गवाया गया है। तो ये गाना अभी रिलीज़ भी हो गया है, मेरे ख्याल से ट्रेलर में आ गया है, एंड बहुत सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि सैफ अली जी की भूमिका इसमें बहुत अलग है। सो ये प्रोजेक्ट है, बाकी कुछ आने वाले हैं वो धीरे धीरे बताते रहेंगे, आप लोग से मुलाकात होती रहेगी। जिस तरह से आजकल टैलेंट को निकाला जाता है, कि हाल ही में इमेजिन है सानू मंडल का आविष्कार किया, तो क्या कहना चाहेंगे, अच्छी बात है या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस तरह से नए टैलेंट को एक अलग तरीके से निकाला गया है? पहली बार शायद ऐसा हुआ है, पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हुआ है, इतना ज़्यादा वाला हाइट नहीं मिला था लोगों को, और हिमेश जी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक आर्टिस्ट जो दर बदर भटक रहा हो, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत तरह तरह की बातें होती हैं। तो उसमें मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरह ही और आर्टिस्ट की तरफ से ही सोच सकता हूं कि रानू मंडल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने दिनों का जो दुख था वो ऐसे भी सुख में चेंज होता है। मतलब कितने लोगों को उसको प्रेरणा मिला होगा इससे। हाँ, एक चमत्कार था कि ऐसा होता नहीं है। तो हिमेश जी के होने से रानू मंडल जी का ये काफ़ी बहुत बड़ा काम हुआ है, और मैं चाहूँगा कि बात यही ख़त्म ना हो जाए, ये रेगुलर रहे, क्योंकि स्टारडम रात भर वाला नहीं चाहिए होता है, उसके बाद की मेहनत तो अब शुरू होगी। सो उसे मेनटेन करें वो। लेकिन अब इसी को गाते हैं जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, तो अभी वो गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड ही किया हूँ तो मुझे भी प्रॉपर याद नहीं, लेकिन हुक उसका गाता हूँ, और बाकी गाना आप बाद में यूट्यूब से सुनना। तू बड़ी कमीनी चीज है, तू बड़ी कमीनी चीज, हाँ बड़ी कमीनी चीज है रे, बड़ी कमीनी चीज, तू बड़ी कमीनी चीज है, तू बड़ी कमीनी चीज। ये हुक है, सो आई होप बाकी गाने आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा। मेरे बारे में, मैं फैशन डिजाइनर, मैं फैशन डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट। बहुत अच्छे एक्टर्स, गाना बहुत अच्छा है, और अभी से एकदम हिट है। कमी नहीं, कमी नहीं।